बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आप साथ में। आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाता हूँ मैं जी, एक सऊदी लड़की की है। तो ये वाकया पेश आया जी रियाज वाले एरिया में, लेकिन ये ब्रिदल कसीम की बोल रही है कि मैं वहाँ पर मेरी रिहाइश है। बहरहाल जॉब वगैरह करती है और साथ में ये वीडियो उसने सोशल मीडिया के ऊपर अपने लगाई, और साथ में खुद से उसका आपको हाथ ही दिखाई देगा, खुद तो उसने वो गाड़ी दिखाई है अपनी। जो भी मामला है मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी तफसील के साथ, साथ में वो वीडियो भी अभी दिखाता हूँ आपको भाई। मैं साथ में वो लड़की रो भी रही थी ये वीडियो बनाते हुए। अच्छा, आपको मैं क्लिप ये वीडियो का पहले दिखा दूँ उसका छोटा सा, उसके बाद मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि वाक्या कैसे हुआ है और इसके इसका जो भी इससे हमें सबक मिलता है, खासकर गैर मुल्कियों को। الله يجعل اكبر قطعه بك بره القطعه الله يحللك الله يجعلك للحادث اللي تنفر आपने देख लिया। एक छोटा सा क्लिप मैंने वीडियो में से आपको दिखा दिया, मजीद आप वीडियो देखते जाएं। साथ में ये लड़की कह ये रही है कि मैं गाड़ी खड़ी की हुई थी यहाँ पर, तो मेरी गाड़ी को खड़ी को कोई किसी ने टक्कर लगाई है, यानी कि एक्सीडेंट, यानी कि किसी ने गाड़ी ठोक दी है इसमें, यार सीधे अल्फाज में तो शीशा वगैरह उसका टूट गया या जो भी गाड़ी का नुकसान हुआ है। उसके बाद वो बंदा फरार, यानी कि भाग गया है। उसने यहाँ पर कोई अपना नंबर वगैरह नहीं छोड़ा है ना खुद से। अभी मैंने रब्ता किया है शुरतों वगैरह से, तो वो जो कैमरे लगे हुए हैं इस बाजार में उसकी मदद से उसे गिरफ्तार तो कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं खुद से जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, रियाद में हम लगे हुए थे नासरिया में, ठीक है, जहाँ पर गसर वगैरह ज़्यादा है काफ़ी। वो एक गाड़ी खड़ी हुई थी, इस तरफ से दूसरी गाड़ी आई है, वो ऐसे उस तरफ से उसने ऐसे जाना था, वो गाड़ी ऐसे खड़ी हुई थी, वो ऐसे मुड़ने लगा ना तो उसको टच कर दिया उसने। जब टच किया उस गाड़ी को तो उसका साइड वाला मिरर और हल्का सा उसे नीचे डंट लग गया, तो वो बंदा, वो भी सऊदी था, वहीं पर खड़ा हो गया। वो खड़ा रहा जी 15-20 मिनट वहीं पर, उस बंदे का इंतजार करता रहा। जब उसने देखा है कि ये बंदा नहीं आ रखा है, उसने एक पेपर लिया है, पेंसिल ली है, अपना नंबर लिखा है, अपना नाम लिखा है, ये यानी कि नीचे ये लिखा है कि ये मुझसे गलती हुई है, आप मुझसे रब्ता कर लें। वहां पर उसने नंबर लगा दिया और खुद चला गया, ठीक है। बंदे ने बाद में उससे रब्ता वगैरह किया होगा, लेकिन ये लड़की का ये कहना था कि अगर ये बंदा यहां पर अपना नंबर छोड़कर जाता और साथ में अपना नाम वगैरह लिख कर जाता कि मैं मुझसे रब्ता कर लूं, मुझसे ये गलती हुई है, मैं आपका इजाला जो भी नुकसान होगा यानी कि इसको पूरा कर दूंगा, तो मैं इसे मुआफ कर देती, मैं इससे कुछ भी नहीं लेती। लेकिन अभी इसने यहां पर ना तो नंबर छोड़ा है, ना कोई ऐसी वैसे नाम अपना छोड़ा है, और ऊपर से मेरी गाड़ी का नुकसान किया और भाग गया है। तो अभी ये पकड़ा तो जाएगा, ये कन्फर्म बात है। वीडियो आपने यहां पर देख ली है, तो कहीं भी अगर खुदा ना खवास्ता आपसे कोई नुकसान होता है तो आप उस बंदे से वहीं पर बात करें। अगर बंदा मौजूद नहीं है तो वहां पर अपना नंबर लिख कर छोड़ें। इससे ये होता है कि उस बंदे को ये होता है कि यार इस बंदे में कुछ एहसास नाम की चीज है, अगर इसने मेरा नुकसान किया है तो अपना नंबर छोड़कर गया है, मैं इसे रब्ता करता हूँ, हम बातचीत कर लेते हैं।